हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ES होम डिजाइन के फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे 32 फीट × 40 फीट का घर का डिजाइन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है इसका फ्रंट डिजाइन। साइड से किस तरह का यहाँ पे डिजाइन है आप यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे इसका आपको नक्शा भी दिखाने वाला हूँ और इसके अंदर में क्या क्या है वो भी देखेंगे। यदि आप भी इंटरेस्टेड हैं, देखना चाहते हैं, छोटी सी वीडियो है, पूरी वीडियो देखते रहिए। तो दोस्तों चलिए अब इसका यहाँ पे टॉप व्यू देख लेते हैं। इससे यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि किधर बेडरूम है, किधर किचन है, जो कुछ भी यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे आप टॉप व्यू में देख लेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, सामने रोड है, उसके बाद इस साइड में भी रोड दिया गया, ठीक है। तो यानी ये कॉर्नर का प्लॉट है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मेन गेट लग जाएगा, ठीक है। मेन गेट से जैसे ही अंदर आएंगे तो यहाँ पे एक पार्किंग मिल जाएगा और इस साइड में यहाँ पे एक लॉन एरिया दिया गया है, ठीक है। और पार्किंग एरिया से ही यहाँ पे एक स्टेयर दिया गया है, यानी सीढ़ी दिया गया है। देख सकते हैं सीढ़ी पे किस तरह से यहाँ पे चढ़ेंगे, सीढ़ी का किस तरह का डिजाइन है यहाँ पे देख लीजिए। इधर से आएंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद कंटिन्यू यहाँ पे सीढ़ी पे चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे। उसके बाद और यहाँ पे देख लीजिए एक डोर दिया गया है, इस डोर से ग्राउंड फ्लोर में अंदर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सीढ़ी देख सकते हैं, इस तरह से आकर के यहाँ पे लैंडिंग पे आएंगे और ये ऐसे करके फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों इस डोर से जैसे ही ग्राउंड फ्लोर में अंदर आते हैं, इस डोर से अंदर आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक हॉल मिल जाता है। हॉल में यहाँ पे सोफा सेट इस तरह से लगा सकते हैं, यहाँ पे डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक बेडरूम दिया गया है और यहाँ पे एक टॉयलेट कंबाइंड बाथरूम ये कॉमन दिया गया, ठीक है। ये वाला टॉयलेट कंबाइंड बाथरूम यहाँ पे बनेगा। पीछे इसका साफ्ट दिया गया है ताकि टॉयलेट का वेंटिलेशन हो पाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं और एक बेडरूम दिया गया है, ठीक है। और इस साइड में यहाँ पे देख सकते हैं पीछे दो बेडरूम दिया गया, ठीक है। इस दोनों बेडरूम से यहाँ पे देख सकते हैं टॉयलेट अटैच किया गया है। सिर्फ यहाँ पे टॉयलेट अटैच है, बाथरूम इसमें नहीं बनेगा। तो यहाँ पे एक टॉयलेट है इस रूम से अटैच, और इस रूम से यहाँ पे देख सकते हैं अटैच यहाँ पे एक टॉयलेट दिया गया है। इसका वेंटिलेशन के लिए पीछे एक शाफ्ट दिए हैं ताकि इस रूम में भी एक विंडो दे पाए और इसका वेंटिलेशन टॉयलेट का हो पाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पीछे कोई जमीन नहीं छोड़ा गया है जिससे यहाँ पे वेंटिलेशन बाहर से नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पे देखा किस तरह से यहाँ पे डिजाइन दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सामने एक किचन दिया गया है, देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे एक किचन मिल जाता है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे देख लिया किस तरह का डिजाइन है, आपको पता चल गया। ये चार बेडरूम के साथ काफी अच्छा यहाँ पे डिजाइन बनाया गया है। तो चलिए अब इसका यहाँ पे नक्शा देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये ग्राउंड फ्लोर का नक्शा है, ये साउथ फेसिंग का नक्शा है, ठीक है। यहाँ पे सामने रोड है, इस साइड में भी रोड दिया गया है। तो पीछे नॉर्थ हो गया, इस साइड ईस्ट, इधर वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले एक मेन गेट मिल जाएगा। मेन गेट से जैसे ही अंदर आते हैं तो इस तरह से यहाँ पे एक कार पार्किंग मिल जाता है, जिसका साइज यहाँ पे 11 फीट 5 इंच × 16 फीट 3 इंच, ठीक है। यहाँ तक 16 फीट 3 इंच मिल जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए 4 फीट का यहाँ पे सामने जगह रखे हैं, तो कुछ जगह यहाँ पे बाउंड्री वॉल में चला जाएगा। तो लगभग 3 फीट का यहाँ पे आपको एक लॉन एरिया मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों अंदर आते हैं, अंदर आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से स्टेप देंगे जैसा कि आपने 3D में देखा था।
और इस स्टेप से जैसे ही अंदर आते हैं यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हैं, इधर से आकर के ऐसे करके फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे सीढ़ी की जो चौड़ाई लिया गया है एक स्टेप की, तो ये 3 फीट का यहाँ पे लिया गया है। उसके बाद यहाँ पे 4 फीट का डोर लगा देंगे, इस डोर से अंदर आ जाएंगे। अंदर आने के बाद यहाँ पे एक हॉल मिल जाता है 9 फीट बाई 23 फीट 2 इंच का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एक गेस्ट रूम है, इसे आप बेडरूम भी कह सकते हैं, 9 फीट 6 इंच बाई 11 फीट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक टॉयलेट कंबाइंड बाथरूम दिया गया है जिसका साइज 4 फीट 6 इंच बाई 7 फीट का दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे पीछे एक शाफ्ट मिल जाता है जिसका साइज 2 फीट 2 इंच बाई 4 फीट 6 इंच का दिया गया है। और यहाँ पे पीछे एक बेडरूम है जिसका साइज है 9 फीट 6 इंच बाई 11 फीट। और सामने यहाँ पे देख लीजिए एक किचन दिया गया है 8 फीट 5 इंच बाई 8 फीट का। उसके बाद पीछे दो बेडरूम, पहला बेडरूम का यहाँ पे साइज देख सकते हैं 12 फीट 9 इंच बाई 11 फीट। और इस रूम से टॉयलेट अटैच है 3 फीट 9 इंच बाई 4 फीट 4 इंच का। और उसी तरह से ये बेडरूम का भी साइज सेम है 12 फीट 9 इंच बाई 11 फीट। यहाँ पे टॉयलेट अटैच किया गया है जिसका साइज है 3 फीट 9 इंच बाई 4 फीट 4 इंच। और पीछे यहाँ पे देख सकते हैं एक शाफ्ट दिया गया है, शाफ्ट का साइज यहाँ पे देख लीजिए 2 फीट 10 इंच का यहाँ पे है और 4 फीट 4 इंच का यहाँ पे चौड़ाई है। तो इस तरह से आपने देखा ये ग्राउंड फ्लोर का नक्शा है और फर्स्ट फ्लोर पे सेम डिजाइन इसी तरह से बन जाएगा। और यहाँ पे सीढ़ी को इस तरह से पैक कर देंगे और यहाँ पे एक डोर लग जाएगा। डोर लगने के बाद यहाँ पे सामने यहाँ पे एक टेरेस गार्डन बना सकते हैं और इधर एक बालकनी बना सकते हैं। तो इस तरह से आपने 3D में फ्रंट एलिवेशन भी देखा कि इसी तरह का यहाँ पे डिजाइन है, सामने टेरेस गार्डन वगैरह दिया गया है जो कि काफी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा डिजाइन आप कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आप भी मेरे से इस तरह का नक्शा वगैरह बनवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मेरे से नक्शा बनवा सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।